लाखों बीघा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अब हम लोग आ चुके हैं तपोवन घूमने के बाद बासुकीनाथ, और तपोवन जो है वो बासुकीनाथ के रास्ते में ही पड़ता है। तो उसके बाद हम लोग अब बासुकीनाथ में आए हुए हैं, और सबसे पहले हम लोग स्नान कर रहे हैं यहाँ पे इस जगह पे स्नान करने के बाद ही बाबा जी को जल चढ़ेंगे। तो सब यहाँ पे सबसे पहले स्नान वगैरह करके और उसके बाद ही जल चढ़ाने के लिए जाएंगे। तो स्नान करने के बाद इन्हीं कपड़ों में हम लोग जल चढ़ाने चले जाएंगे। और अब हम लोग आ चुके हैं मंदिर में, तो पूजा वगैरह हमारा हो चुका है। इधर हम लोग फोटो वगैरह क्लिक कराने के लिए रुके हुए हैं। पूजा वगैरह करने के बाद हम लोग पीछे की तरफ आ गए थे, तो ये बासुकीनाथ का मंदिर जो है वो पीछे की तरफ से है। सामने की तरफ मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ। आ चुके हैं और अभी बस बासुकीनाथ के मंदिर से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, और मेरे हस्बैंड मेरे ग्रुप मेंबर सब आगे हैं और मैं थोड़ा पीछे हूँ। तो अभी हम लोग जाएंगे, उसके बाद नाश्ता वगैरह करेंगे। नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग तारापीठ मंदिर के लिए निकल गए थे, तो ये तारापीठ का गेट है। यह तारापीठ जाने का रास्ता हो, तो उसी रास्ते में काफ़ी सारे होटल्स बने हुए हैं, और अभी तो भीड़ नहीं है इन होटलों में, पर सावन भादों के टाइम में बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी हम लोग सुबह में हम लोग बासुकीनाथ में थे, और अभी हो रहा है शाम का वक्त, एक्चुअली अभी 7 बज रहा होगा, शायद 7 के आसपास बज रहा होगा। तो अभी हम लोग ऐसे रास्ते के किनारे खड़े हुए हैं, हस्बैंड लोग गए हैं अभी होटल रूम बुक करने। तो अभी हम लोग आ गए हैं तारापीठ में, और आज रात भर रेस्ट करके उसके बाद सुबह हम लोग पूजा वगैरह करेंगे। और हालत जो आप देख रहे हैं बहुत ही ख़राब हो चुकी है, तो मैं आपसे होटल रूम में जाके मिलती हूँ। और ये वाला जो क्लिप है वो मेरे बेटे ने रिकॉर्ड किया है, तो उसने मेरे हाथ से मोबाइल लेके कहा कि मम्मा मैं भी आपकी तरह रिकॉर्डिंग करूँगा। तो सबसे पहले उसने कैमरा लेके गाना गाया था, तू 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 तारा। तो आसपास में काफ़ी सारा साउंड आ रहा था, तो मैंने तो अभी एक घंटा पहले हम लोग होटल में आ चुके हैं, और बाहर जो आपको रोशनी दिखाई दे रही है वो एक्चुअली लाइट की रोशनी है। तो हम लोग थोड़ा सा होटल के बाहर की तरफ आए हुए हैं, क्योंकि हमें कुकिंग करके खाना था। एक्चुअली यहाँ पे ना सब कुछ नॉनवेज ही मिलता है, और सबको भेज खाना था, तो हम लोगों ने सोचा कि खुद ही कुकिंग कर लेते हैं और उसके बाद ही हम लोग खा लेंगे। और हम लोगों ने बोलबम में भी खुद ही कुकिंग किया था, और यहाँ पे भी खुद ही कर रहे हैं। बोलबम में इसलिए किया था क्योंकि यहाँ के लिए सोच के, यहाँ पे तो सिर्फ नॉनवेज ही ज़्यादातर मिलता है, और मेरी मम्मी तो सत्संगी है तो खाएंगे नहीं, इसी वजह से हम लोग गैस सिलेंडर लेके ही चल रहे थे। तो बोलबम में कुकिंग करने के बाद अब यहाँ पे भी कुकिंग करिए, तो इधर चावल पक रही है, दाल भी मूंग की दाल बनाई थी वो हो चुकी है, इधर मिक्स सब्जी बन चुकी है, और जस्ट लास्ट में अब पापड़ फ्राई होगा, तो ये सब होगा। और यहाँ पे आप मेरे चेहरे की हालत देख सकते हैं, मतलब तो इतनी ज़्यादा थकावट हो जाती है, इतनी दूरी दूरी के रास्ते हैं ना यहाँ पे, तो इसी वजह से पूरा चेहरे का हालत जो है बहुत ख़राब हो चुका है। और अभी मैं फिलहाल कर रही हूँ कुकिंग, और कुकिंग करके फिर मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ।
जो रहा है नेक्स्ट डे। तो नहाने के बाद हम लोग अब तारापीठ मंदिर में आ चुके हैं और ये एक तारापीठ मंदिर का छोटी सी झील बनी हुई है और ऐसे ही यहाँ पे कोई स्नान वगैरह नहीं करता, ऐसे ही बनी हुई है। और अब हम लोग जा रहे हैं लाइन में खड़े होने के लिए और उसके बाद हम लोग दर्शन वगैरह करेंगे। हम लोग ने पूजा वगैरह कर लिया है और मंदिर के बाहर भी आ चुके हैं। तो ये मंदिर के सामने की तरफ का व्यू है और उस तरफ जो आप एक लोहे का रेलिंग टाइप का बना हुआ देख रहे हैं ऊपर की तरफ, उधर ही सबको लाइन वगैरह लगना होता है। तो हम लोग उधर से पूजा करके निकल चुके हैं इस तरफ, तो उधर से जाके हम लोगों ने पूजा कर लिया है और आ रहे हैं हम लोग मंदिर से बाहर। तो ये दोनों मेरी ननद और नंदोई है और ये उनका नाती है, तो इसी का मुंडन था, मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे नाना नानी के हाथ पकड़ के नाती जी एक साथ चल रहे हैं और बहुत ही क्यूट लग रहा था इस टाइम पे वो। तारापीठ मंदिर में और अभी अभी हम लोगों ने अपना पूजा कंप्लीट किया है, अभी टाइम शायद 9:30 करीब हो रहा होगा। और सब पूजा कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर से बाहर। और अभी थोड़ी देर पहले मैं अभी धूप बहुत ज़्यादा ही लगती है इसलिए मैं इस टाइप से आग वगैरह कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा धूप आ चुकी है। तो अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर से बाहर, पूजा जो है हमारा अभी कम्प्लीट हुआ है। तो थोड़ी देर में फिर अब हम लोग मंदिर से बाहर निकलने के बाद जा रहे हैं दूसरी तरफ से। ये तारापीठ मंदिर के पास ही लगने वाली जो मार्केट होती है वो मार्केट है और इसी रास्ते से शमशान की तरफ जाया जाता है। उधर शमशान काली माता जी का मंदिर भी है और भी एक दो मंदिर है, मैं आपको दिखाऊंगी आगे वीडियो में। तो आगे आगे दीदी जिया जी मेरे हस्बैंड मेरा बेटा सब चल रहा है और मैं पीछे पीछे हूँ। तो अब चलते चलते हम लोग शमशान घाट की तरफ आ रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से आसपास में गार्डनिंग वगैरह की हुई है, अच्छे अच्छे पेड़ वगैरह लगे हुए हैं, अच्छी तरीके से सजाया गया है। पर जब हमारे मम्मी पापा आते थे तो वो बताया करते थे इससे पहले ऐसा नहीं था, अब बना हुआ है, पहले सब कुछ कच्चा था अब पक्का कर दिया गया है। और घाट के बगल में एक नदी बहती है जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी है, बिल्कुल भी साफ नहीं है। बोल हेलो, बोल दो बेटा हेलो, बोल हेलो, बोल दो सुना हेलो, बोल हेलो। और ये है अभी का शमशान घाट, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, ये सब कुछ पहले कच्चा हुआ करता था और काफी सारे अघोरी लोग यहाँ पे बैठा करते थे, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एक बात मैं आपसे शेयर करती हूँ, मैंने आज से पहले कभी भी शमशान नहीं देखा था, शमशान घाट नहीं देखा था, मैं ऐसा कुछ फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। मैंने इससे पहले कभी भी आज तक नहीं देखा था शमशान कैसा होता है, कहाँ पे कैसे क्या होता है। पहले मैंने सोचा था कि यहाँ पे जो अघोरी रहा करते थे वो सब दूसरी जगह जा चुके होंगे, पर अभी भी कुछ यहाँ पे रह रहे हैं। घाट की जो दीवार है उसके पास में काफ़ी सारे अघोरी बैठे हुए थे। यहाँ पे भी काफी सारे मंदिर बने हुए हैं। हम लोग आ गए हैं मार्केट की तरफ, एक्चुअली ये रास्ते में पड़ रहा था, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अभी हम लोग थोड़ा सा शॉपिंग कर रहे हैं। जो मार्केट है यहाँ पे ज्यादातर पूजा की सामान ही मिलती है। शॉपिंग वगैरह करने के बाद आज ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। अब हम लोग फिर से जा रहे हैं होटल की तरफ, काफ़ी टाइम हो चुका है, हमें 12 बजे तक होटल खाली कर देना था। तो अब हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलती हूँ आपसे सिलीगुड़ी वापस जाके।